वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि जीएनएन न्यूज आपको हर खबर से रूबरू कराता आया है, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर में, जहां पर रिपब्लिकन सेना पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रपोत्र आनंद राज जी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपब्लिकन सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रपोत्र आनंद राज जी हैं। आनंद राज जी बहुजन समाज के लिए एक नई सोच और नई उमंग लेकर आए हैं। इनका कहना है कि अब भारत में अखंडता जरूर आएगी जब बहुजन समाज एक साथ एकत्रित होगा। इस मौके पर रिपब्लिकन सेना पार्टी के कई पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया और सदस्यता भी दी गई। आइए देखते हैं इस पर जीएनएन न्यूज की एक रिपोर्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से परम श्रद्धेय परम आदरणीय बहुजन नायक गरीबों के मसीहा युद्धीर ने शोषित और वंचितों की आवाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सुपुत्र रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन सहसेनानी माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी तरफ से भी और पूरी रिपब्लिकन सेना दिल्ली प्रदेश। सर, पार्टियां बहुत सारी हैं देश में, बहुजन समाज पार्टी भी थी मायावती जी की, और भी अन्य पार्टियां बहुजन की आई हुई हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रपोत्र आनंद राज अम्बेडकर जी की पार्टी रिपब्लिकन सेना पार्टी, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो 2019 का जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में यदि मैं नेता बनता, एमएलए बनता या कॉरपोरेशन का मेंबर या एमपी बनता तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इतना पैसा नहीं था मेरे पास उनको देने के लिए। माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब ने जो बीड़ा उठाया है बहुजन की आवाज़ बनने के लिए, इस देश के गरीबों के राजनीति में भागीदारी बनाने के लिए, और सदैव ऐसा रहा है कि जब भी जब बाबा साहब आए हैं या बाबा अम्बेडकर जब जब आए हैं, हम बहुजनों को आगे बढ़ने का मौका मिला। आज उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आरक्षण दिया हुआ, उन्हीं के संविधान की बदौलत आज हम फूट फूट पहन के घूम सकते हैं या राजनीति में भाग लेने की बात हो सकती है। पुनः इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में देश का गरीब, देश का बहुजन, देश का आम आदमी राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाएगा। 2019 के चुनाव में जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई की मार से जनता परेशान है, इस देश में इस समय त्राहिमान हो रहा है, हर तरफ परेशानियाँ बढ़ रही। ना इस देश में इस समय गरीब सुखी है, ना इस देश में किसान सुखी है, ना इस देश में इस समय जवान सुखी है। बहुजन पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में देश बिखर रहा है। आज पहला ऐसा टाइम है जब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीजेपी के जो आला कमान के नेता हैं, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री मोदी साहब हों, वो बार बार एक बात को विदेशों में जाके कहते हैं कि आज देश बदल रहा है, आज देश का सम्मान हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले भारतवर्ष का सम्मान नहीं होता था? इसका तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ ना, ऐसे लोगों में तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देश का सम्मान हमेशा रहा है, चाहे पहले का युग उठा के देख लीजिए, चाहे आज़ादी के बाद। इस देश की सब उंगली उठाने वाला, आप उठाने वाला कोई 125 करोड़ देशवासियों का, भारतवासियों का सम्मान है, गौरव है ये देश। इसके सम्मान पे कभी आँख नहीं आ सकती। ये तो दो दिन के लिए आए, चले जाएंगे, और 2019 में इनकी विदाई तय हो चुकी है। क्योंकि जो जो इस देश पे बहुजन के लिए या गरीब के लिए काम नहीं करेगा, महंगाई देखी नहीं जाता है, पेट्रोल डीजल के ऊपर ये आए थे सरकार बनाने के लिए, आज हाल देख रहे हो क्या है? तो भैया, हम ऐसी भक्ति नहीं करते किसी की, हम अपने देश के प्रति वफादार हैं, हम अपने भोजन के प्रति वफादार हैं, हमारे लिए राष्ट्र हित पहले है। पार्टियाँ आएंगी जाएंगी चले जाएंगी, मोदी जैसे साहब जैसे बहुत सारे लोग आए। बहुजन समाज की अगर बात करें तो बहुजन समाज के लिए आपको क्या क्या कमियाँ महसूस होती हैं इस समय, जिन्हें आप पूरा करेंगे? देखिए, इस देश में विकास हुआ है तो मात्र 10% लोग, आज आप देख लीजिए, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा कुपोषण है, 40% लोग, 40% बच्चे इस देश के आज भी कुपोषण में
रहती है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की रहती है, तीन वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं होती। और सबसे बड़ा मैंने अभी आपको कहा कि किसान आत्महत्या कर रहा है, इस देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, गरीब के बच्चे को ना पढ़ाई है ना सड़क सुविधा है। भैया ऐसा क्यों नहीं कानून बनता कि मेरा बच्चा भी और अडानी अंबानी का बच्चा भी एक स्कूल में पढ़े, एक जगह से उसको सब सुविधाएं मिले? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या गुनाह करा है हमारे बच्चों ने? कहने का मतलब यह है कि देश परिवर्तन चाहता है, देश बहुजन की ताकत को समझ रहा है, पार्टी समझ रही है। जब तक आप गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक मैं एक मिस्त्री की औलाद बेटा हूँ, मुझे पता है कि मकान बनाना भी आता है, जानते हैं बचपन से सब कुछ देखा है, मुझे पता है गरीब के संग क्या समस्या होती है, ये एसी में रहने वाले, ये धन्ना सिंह के लोग जो हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, इन्हें क्या पता गरीब के क्या दीवान है, कैसे हम दो पेट दो जून का रोटी अपने बच्चों को दिला पा रहे हैं, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ये क्या जाने। तो जब तक देश में बहुजन की सरकार नहीं बनेगी, बहुजन आगे नहीं बढ़ेगा, गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, ये देश की समस्या मान लगेगा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है करना क्या है। अब मैं दिल्ली पर आ रहा हूँ, दिल्ली का इनके पास किसी भी है, जनता ने दिल्ली की कांग्रेस को भी चुना, बीजेपी को भी चुना, आम आदमी आ रहा, क्या इनके पास आज भी जाम की समस्या का कोई समाधान, बेरोजगारी का के लिए लड़ने के लिए कोई वो है? 24 घंटे आज भी जब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कूड़े के ढेर पे बैठ लिया दिल्ली, इनके पास कोई समस्या का समाधान है? लोगों को पानी तक नहीं दे पा रहे 70 साल में, और ये कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदलेगा उस दिन जब इस देश का आखिरी आदमी, जब इसका देश का गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा, उसको भी उतने ही अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, रोजगार में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ेंगे, तब समझिए देश का तरक्की। लोकसभा के चुनाव में किन किन राज्यों पर चुनाव लड़ेगी रिपब्लिकन सेना पार्टी? देखिए ये तय करना माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब का काम है, हम उनके सिपाही हैं, जैसा आदेश हमें मिलेगा हम पालन करेंगे। माननीय आनंदराज जी के बारे में सब कुछ भी कहने से पहले मैं उनको आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके मंगल जीवन की मैं कामना करता हूँ। और रही बात पार्टी से जुड़ने की, तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी मैं ज्वाइन करूँ जो सच में वंचितों के और दलितों के हकों की लड़ाई लड़ती है, और रिपब्लिकन सेना की जो लड़ाई है उससे बेहतर संघर्ष वाली पार्टी मुझे कोई नज़र नहीं आई, और उसको देखते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के रिपब्लिकन सेना को ज्वाइन किया। बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंदराज अम्बेडकर जी का जन्मदिवस है, और इस अवसर पर मेरा सौभाग्य होगा कि हम उनको मंगल कामना करें। साथ साथ कल 1 तारीख को हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राकेश भाई का भी जन्मदिन था, और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक रिपब्लिकन सेना से जुड़ने की बात है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े पार्टी, खास करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के पौत्र श्री आनंदराज अम्बेडकर साहब के पार्टी में जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि ये पार्टी जो है समाज के जो सबसे लास्ट पायदान पे जो लोग हैं धर्म, उनके हित की बात करती है, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सबकी बात करती है, युवा की बात करती है, वृद्धों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, और इससे बड़ी खुशी होती है कि देश के विकास आगे होगी। और यही सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ससेना ने आनंदराज अम्बेडकर को जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और मुझे उनकी पार्टी के साथ जुड़ने में बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया था कि वो दलितों के वास्तव मसीहा हैं, और सारी पार्टियाँ हमारे देश में बाबा साहब का नाम लेकर अपने अपना मकसद पूरा करती है, असल में कोई कुछ नहीं कर रहा है। असली तो सेना की पार्टी, हमारे रिपब्लिकन सेना की पार्टी है, हम जो है बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे, और इसके लिए हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बहुत जो है इसके लिए सक्षम है, और हम उन्हीं के उसमें जो है सारा काम करेंगे। नमस्कार, मुझे पार्टी ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत एक मंच मिला है यहाँ पर लड़कियों और औरतों का मुद्दा उठाने और उनकी मदद करने के लिए। जहाँ भी देखो तो हम ये देखते हैं लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्कूल में अध्यापिका हो, चाहे वो जॉब के लिए जाए, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके बॉस होते हैं जो उनके साथ हर जगह बदतमीजी करते हैं। उन लड़कियों को, उन औरतों को, मैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ।